हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो है कच्चे मैंगो का अचार। तो देखिए, पहले मैं मैंगो को एक साइज करके पीस करके लिया हूँ। उसमें अभी मैं एक टर्मेरिक पाउडर 4/4 चम्मच लिया हूँ। टर्मेरिक पाउडर ऐड करने के बाद मैंगो को अच्छा से मिक्स करके लेना है। हो गया मेरा मिक्स, तो उसे मैं अभी 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही रखना है। 15 मिनट कंप्लीट हो गया मेरी, तो चले अभी अचार बनाने शुरू करती हूँ। पहले मैं एक कढ़ाई बैठा के, कढ़ाई गर्म होने के बाद उसमें मैं अभी ऑयल डाल के ले रहा हूँ। ऑयल गर्म होने के बाद उसमें मैं अभी चिल्ली पेपर यानी कि रेड चिल्ली 6-7 जैसा लिया हूँ। उसमें मैं अभी ग्रीन चिल्ली भी डाल के ले रहा हूँ। अचार जो है थोड़ा सा जाल होना चाहिए। अगर आप लोगों को जाल कम खाना है तो थोड़ा कम भी दे सकता है। उसमें मैं अभी फेनुग्रीक पाउडर 4 से 5/6 चम्मच जैसा ले आया हूँ ऐड करके। उसके साथ और भी एक चीज़ है, मस्टर्ड पाउडर, उसे भी 4 से 5/6 चम्मच जैसा ऐड करके ले आया हूँ। उसके बाद कश्मीरी पाउडर यानी कि रेड चिल्ली पाउडर, वो भी 4 से 5/6 चम्मच जैसा ले आया हूँ। अचार जो है वो थोड़ा जाल होने से टेस्टी होता है। ऐसा ही टोस्ट कर करके चिल्ली को थोड़ा फ्राई करके लेना है। चिल्ली फ्राई होने के बाद उसी में अभी मैंगो को ऐड करके लेना है। मैंगो ऐड करने के बाद उसे अच्छा से मिक्स करना चाहिए। अगर अच्छे से मिक्स ना हुए तो ये अचार अच्छा नहीं बनेगा। आप लोग भी मैंगो का अचार को इसी टाइप से बना के खा सकते हैं। ये किसी का चीज से भी खा सकते हैं, जैसे रोटी के साथ या आफ्टरनून का लंच के साथ भी खा सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है। इसी टाइप से मैंगो का अचार बनाने से देखने में जितना टेस्टी लगता है उतना ही खाते हुए भी टेस्टी होता है। तो इसे मैं अभी सॉल्ट ऐड करके ले रहा हूँ, यानी कि नमक आप लोग जितना चाहिए इतना ही ऐड करके ले सकते हैं। सॉल्ट ऐड करने के बाद फिर से अच्छा से टोस्ट करके मिक्स करके लेना है। जितना अच्छा से मिक्स करेगा इतना ही अचार अच्छा बनेगा। पर अचार को ऐसा ही हिलाते रहना है जैसे ये जल ना जाए। अगर जल गया तो ये अच्छा नहीं बनेगा। ऐसा ही करके 15 से 20 मिनट तक बॉयल करके लेना है। बट डू नॉट ओवर कुक, अगर ज़्यादा बॉइल किया तो ये अचार पूरा ही बिखरे जाएगा। तो अच्छा से पास में खड़ा होके अचार को बनाना है। बन गई है मेरी मैंगो का अचार। वाव, बहुत टेस्टी होगा, खुशबू भी अच्छे से निकल रहा है। तो ऐसे अभी निकल के लेना है। तो इसे अभी 10 मिनट तक ऐसा ही रखना है, कूल होने के लिए, मतलब ठंडा होने के लिए। 10 मिनट कंप्लीट होने के बाद इसे मैं अभी बयम के अंदर डाल के रख रहा हूँ। आप लोग इसे जितना दिन चाहिए इतना दिन ही रख के खा सकते हैं बयम के अंदर डाल के रखने से। लेकिन आप लोगों को कांच का बयम अगर मिले तो उसमें रखना है। कांच का बयम का अंदर रखने से और भी ज़्यादा अचार अच्छे से रहता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो क्या अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और साथ में एक सब्सक्राइब प्लीज़, और मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए साथ में एक बेल आइकन की भी क्लिक कीजिए। फिर से मुलाकात होंगी आप लोगों के साथ नए वीडियो नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।